हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बावी बायोकेम क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे थे। जैसा कि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, हमने वहाँ पे प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। उसके साथ साथ हमने PBR-322 प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करा था स्टूडेंट। उसके बाद आज का जो टॉपिक है, प्लाज्मिड के बाद जो पढ़ेंगे, यानी कि वह टॉपिक होने वाला है प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ध्यान देना। प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या इसको हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और आर प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी क्या प्रक्रम है, समझ रहे हो, जैव प्रौद्योगिकी की क्या प्रक्रम है, समझ रहे हो। प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जाएंगे, ध्यान देना। इसको हम स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के फॉर्म में पढ़ते, ध्यान देना, स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के फॉर्म में पढ़ा जाता है। स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब स्टूडेंट आपकी बुक में बताया है अनुवंशिकी की, यानी कि कुल मिलाकर के जिसको कहा जाता है, सॉरी, अनुवंशिक अभियांत्रिकी के चरण, ध्यान देना, हिंदी में कहते हैं अनुवंशिक अभियांत्रिकी के चरण। स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए ये सब स्टेप समझते हैं, ध्यान देना। जो स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, देखा जाए इसका कई स्टेप होता है, मल्टीपल स्टेप होता है। स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या है, जैसे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम क्या कर रहे थे, डीएनए डिजायर डीएनए निकाल रहे थे, डिजायर ना, सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं डिजायर डीएनए का, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट का, जिसको एलियन जीन बोल रहे थे हिंदी में, इसको वांछित जीन कहेंगे, उसका हमको सिलेक्शन करेंगे, वो उसको लेंगे, लेने के बाद उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उसको काटेंगे, समझ रहे हो, विघटित करेंगे, उसको काटेंगे। अब काटने के बाद फिर उसका क्या करेंगे, काटने के बाद फिर वेक्टर डीएनए का सिलेक्शन करेंगे, समझ रहे हो, वाहक डीएनए का चयन करेंगे। अब वाहक डीएनए जो मिल जाएगा उसको भी काटेंगे सेम एंजाइम की मदद से, जिस एंजाइम से हम वेक्टर को काटते हैं उसी एंजाइम से हम उसको भी काटेंगे, किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटेंगे, एलियन जीन को काटेंगे, समझ रहे हो, जिसको वांछित जीन कहा जा रहा है, दोनों को सेम एंजाइम से काटा जाता है। अगर इसको रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियर से काट रहे हो तो उसको भी रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियर से काटोगे, जैसे ही काटोगे, काटने के बाद उसको आपस में जैसे काट लिए, काटने के बाद आके उसको क्या करोगे, जोड़ दोगे। और पता है रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियर एंजाइम हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटता है, काटने के बाद उसको आपस में जोड़ दोगे, और जोड़ो किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। जैसे ही जोड़ा, जोड़ने के बाद उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला, आरडीएनए बोला, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल में। जैसे ही होस्ट सेल में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करा, तो होस्ट सेल बहुत सारा मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा हमारा क्या मिल जाएगा, जीन की कॉपी मिल जाएगी, मल्टीपल कॉपी, जिसकी वजह से हम वहाँ पे टर्म यूज करते हैं जीन क्लोनिंग, यानी कि डीएनए का पूंजीकरण, बहुत सारा डीएनए हमको मिल जाएगा, जो प्रोडक्शन चाहिए होगा वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। यही जो पूरा स्टेप अभी हमने बताया, सब स्टेप यहाँ पे बताया गया है, ध्यान देना, जो कि एक स्टेप वाइज क्रम में बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं उसको देखने के लिए यहाँ पे हम समझते हैं आखिर क्या स्टेप यहाँ पे बतलाया गया है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यहाँ पे, पहला जो है आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, डिजायर जीन का आइसोलेशन करना ना, डिजायर जीन जो वांछित जीन है उसका विलगन, वांछित जीन का विलगन जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको आइसोलेट करने की जो विधि होती है, यानी कि जब आइसोलेट करते हैं तो उसमें ध्यान देना, देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन में ये सब पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, ध्यान देना, ये पॉइंट्स क्या क्या हैं इसको जरा देख लेते हैं। पहला जो हुआ करता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल, ध्यान देना, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रॉम सेल, यानी कि डिजायर डीएनए को आइसोलेट करना कहाँ से, सेल से, डिजायर डीएनए को आइसोलेट करना कहाँ से, आइसोलेट करना स्टूडेंट, सेल से आइसोलेट करना, समझ रहे हो, सेल से आइसोलेट करना, डिजायर डीएनए को क्या करना, आइसोलेट करना। अब डिजायर डीएनए को आइसोलेट कहाँ से कैसे करते हैं सेल से, इसके लिए जरा हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या समझते हैं, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था जो डिजायर जीन, जैसे सपोज दैट मान लो इंसुलिन है, इंसुलिन हमारा डिजायर जीन है। अब इंसुलिन निकलता कहाँ से है, तुमको पता है कहाँ से मिलता है, पैनक्रियाज की सेल से, पैनक्रियाज की बीटा सेल से मिलता है, मान लो ड्यूडेनम से इस तरीके से पैनक्रियाज लगा है। अब पैनक्रियाज जो लगा है यहाँ से हमको, समझ रहे हो, बीटा सेल का जीन निकालना है, बीटा सेल का जीन निकालना है, कुल मिलाकर के बीटा सेल का जो जीन होगा ऐसा जीन होगा जो इंसुलिन बनाएगा, मतलब इंसुलिन वाला जीन कुल मिलाकर निकालना है, कुल मिलाकर के डिजायर जीन हमारा क्या होगा, इंसुलिन वाला जीन होगा। अब जो इंसुलिन वाला डिजायर जीन होगा वो डिजायर जीन यहाँ से हम निकाल लेंगे, सपोज दैट यहाँ पे इस तरीके से इतना सारा यहाँ पे ये क्या है हमारा डिजायर जीन दिख रहे हैं। अब इसको क्या करना है, आइसोलेट करना है। इसको आइसोलेट करने के लिए हम लाइसो एंजाइम की मदद से, ध्यान देना, लाइसोजाइम की मदद से, लाइसोजाइम्स की मदद से इसको आइसोलेट करेंगे,
जैसे ही लाइट को जैम इस पे डालेंगे तो सेल क्या कर जाती हैं, जिससे गल जाती हैं। गलने के बाद यहाँ पे हमारा क्या मिल जाता है, इस तरीके छोटा सा क्या मिल जाता है, डिजायर जीन मिल जाता है। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं वांछित जीन मिल जाया करता है, ध्यान देना। अब जरूरी नहीं है कि लाइट एंजाइम ही डालें, और कोई एंजाइम वहाँ पे जो उसके लिए सभी सीन रहता है वो एंजाइम डाल करके काम कर लेते हैं अपना। इस टाइप से हमारा क्या मिल जाता है, वांछित जीन मिल जाता है। यानी कि ये क्या है, आइसोलेशन ऑफ कुल मिला करके डिजायर डी एन ए फ्रॉम दी सेल, यानी कि डी एन ए को आइसोलेट कर रहे हैं कहाँ से, सेल से आइसोलेट कर रहे हैं, जहाँ पे पाई जा रही है जिस सेल्स में, यानी कि बीटा सेल में जो पाई जा रही है वहाँ से हम उस जीन को क्या किए, आइसोलेट कर लिए। और आइसोलेट किस मदद से किए, किसकी मदद से किए, लाइसोजाइम की मदद से किए, ध्यान देना। लाइसोजाइम को डाला जिससे गल गया, जिससे हमारा क्या निकल गया, वो जीन निकल गया जिसको हमने बोला डिजायर जीन, ध्यान देना। डिजायर जीन जिसको हम बोलते हैं वांछित जीन कहते हैं, ध्यान देना। इस तरीके से हमको वांछित जीन अपना निकाल लेते हैं। अब देखो उसके बाद स्टेप में क्या करते हैं, ध्यान देना। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दैट इज द क्लीवेज ऑफ डीएनए इनटू पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ध्यान देना। क्लीवेज ऑफ डीएनए इनटू पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी कि डीएनए के पैलिंड्रोमिक, डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे उसको काटेंगे, क्लीवेज करेंगे, ध्यान देना, उसको क्लीवेज करेंगे। और क्लीवेज करने के साथ साथ क्या करेंगे, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे क्लीवेज करेंगे। और किसकी मदद से क्लीवेज करते हैं, ध्यान देना, एंजाइम की मदद से। और जो एंजाइम होता है, दीज आर दी एक्सोन्यूक्लियस, ध्यान देना, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस को मिला करके रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस की बात होती है। जो रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये करता क्या है, ये तुम्हारे डीएनए खंड को क्या करता है, कुल मिला करके उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटता है ना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब विलोम पद, कैसे काटता है, क्या करता है, इसके लिए हम यहाँ पे जरा देखते हैं, ध्यान देना। यानी कि ये वाला स्टेप देख रहे हैं, क्लीवेज वाला। अब इसमें करते क्या है, अब इसमें देखो, अब हमने सपोज दैट डिजायर जीन भी निकाल लिया। कैसे निकाला इसको आपने समझा, मान लो ये क्या है, डिजायर जीन है, इस तरीके से ये क्या है तुम्हारा डिजायर जीन है, और ये क्या है तुम्हारा, समझ लो ये क्या है, वेक्टर का जीन है, मतलब वेक्टर का जीन है जिसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे, वेक्टर का जीन है। अब देखो इसको प्लाज्मिड कह रहे हैं, अब इस टाइप से, अब इसका देख लो नाइट्रोजिनस बेस, जैसे यहाँ पे क्या है जी ए ए टी टी सी, यहाँ पे इस तरीके से जी ए ए टी टी सी, उधर भी वेक्टर वाले में भी सेम क्रम वही है, जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी। अब देखो इसको काटना है ओवरहैंग को, अब काटने के लिए एंजाइम कौन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे आके काटेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियस जो कट लगाएगा, कहाँ कहाँ पे कट लगाता है, ध्यान से समझना। एक एंजाइम आकर जैसे यहाँ पे कट लगा रहा है, दूसरा एंजाइम आकर के जहाँ पे कट लगा रहा होता है, उसी तरीके से यहाँ पर बात करें तो एंजाइम कट कैसे लगाता है, जैसे एक एंजाइम यहाँ पे कट लगाएगा, दूसरा एंजाइम इस तरीके से यहाँ पे कट लगाएगा, कुछ इस तरीके से। जैसे एक एंजाइम यहाँ पे कट लगा रहा है, दूसरा एंजाइम आकर के यहाँ पे कट लगा रहा होता है, ध्यान देना। इस तरीके से एंजाइम क्या करते हैं, काटते हैं रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियस। अब काटने के बाद कहानी कैसी बनती है, ध्यान देना, दिखाई कैसे देता है, कुल मिला करके आगे की कहानी कैसी होती है उसके बारे में देखें। तो देखो दिखाई कैसे दिखाता है, जैसे ये मान लो डीएनए हमारा है, और कौन सा डीएनए है, समझ रहे हैं, डिजायर का डीएनए है ना, जो हमको प्रांत करना, वांछित जीन का डीएनए है। अब यहाँ पे ये वाला ओवरहैंग ऐसे ही पड़ा है, समझ रहे, वाला ओवरहैंग ऐसे ही पड़ा है, और नीचे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, सी ऐसे ही है, यानी टी टी, और उसके बाद ए ये दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से ना, यहाँ पे क्योंकि इसको क्या करा है, काटा गया है, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब वेक्टर वाले डीएनए में, अब वेक्टर वाले डीएनए में कैसे दिखाई दे रहे हैं इसको जरा हम देख लें, वेक्टर वाला डीएनए कैसे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ध्यान से समझना। इसके लिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है टी, यहाँ पे क्या है इस तरीके से हमारा टी टी ए ए टी टी ए ए, यहाँ पर टी टी ए ए दिखाई दे रहा है, और इधर हमारा क्या है सी है, इधर जी, इस तरीके से दिखाई दे रहे होते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो कट लगाया जा रहा है स्टूडेंट, इसको इस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पे जो कट लगा रहा है कुछ इस तरीके से कट लगा रहा है, ध्यान देना, सेम जहाँ पे वो काटेगा वैसे ही वहाँ पर भी कट लगाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से। उसके लिए सारे स्टूडेंट एक बार फिर से सही कर लेंगे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कट लगाया है, इस तरीके से यहाँ पर भी कट लगा रहा है, चीज़ एकदम क्लियर है, बहुत सिंपल है,
बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे बस, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान देना, समझने वाली चीज़ें हैं, टोटली समझने वाली चीज़ें हैं। अब देखो इस तरीके से हमारा कौन सा एंड मिल गया, स्टिक एंड, ये कौन, दोनों कौन है, स्टिक एंड मिल रहे हैं, समझ रहे हो, स्टिक चिपचिपा खंड। अब देखो, अब ये तुम्हारा पता ही है क्या है, डिज़ायर डीएनए है, और ये क्या है, वेक्टर का डीएनए है, वेक्टर डीएनए है। अब करेंगे क्या कि वेक्टर की डीएनए को ला के यहाँ पे जोड़ देंगे। अगले स्टेप में जैसे जोड़ कैसे रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके से डीएनए का ये वाला सीक्वेंस रहा, जैसे टी ए ए, समझ रहे हो, टी टी ए ए, इस टाइप से ये ओवरहैंग दिख रहा है ना, बदले में इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसका जी है, सी है, आपस में इस तरीके से इसका डीएनए है। और ये वाला ध्यान देना, जैसे इस ये वाला जो है तुम्हारा आकर के इससे क्या करेगा, इसका एंटीकोड यानी विपरीत खंड आकर के जुड़ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, जिसको कुल मिलाकर के ए ए टी टी, जैसे जुड़ा यहाँ पे इसका अपना जी है, यहाँ पे सी है, ऐसे ही अपना इस तरीके से इसका सीक्वेंस बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, जैसे ही जुड़ा या क्या बना, आर डी एन ए बन गया, क्या बना स्टूडेंट, आर डी एन ए बन गया, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के क्या हो गया, अपना तैयार हो गया। एक बात फिर से समझेंगे, यानी कि डिजायर डीएनए है, ये क्या है, वेक्टर का डीएनए है, डिजायर डीएनए को वेक्टर डीएनए को दोनों से दोनों को रजिस्ट्रेशन एक्सॉन ग्लियल एंजाइम की मदद से काटा जा रहा है। काट कैसे रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से पेरिफेरी पे कट लगा रहा है, ध्यान देना, कट लगाने के बाद ये ओवरहैंग बाहर निकल जा रहा है, जिसकी वजह से यही बच रहा है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे जैसे यहाँ से कट लगा रहा है, तो इस तरीके से ये ऊपर वाला ओवरहैंग बच रहा है, केवल ये ऊपर वाला ओवरहैंग बच रहा है इस वजह से, और आगे चलकर ये पूरा ओवरहैंग गायब हो जा रहा है, जिसको आपस में ला करके जोड़ दे रहे हैं ना, जोड़ती की चीज की मदद से है, ध्यान देना, लाइगेज एंजाइम की मदद से जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आर डी एन ए बन जाएगा, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बन जा रहा होता है। ध्यान देना, अब देखो ये क्या है तुम्हारा कुल मिला करके, क्लीवेज फॉर दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ध्यान देना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे समझ लेंगे, जैसे इधर से पढ़े और इधर से पढ़े दोनों समान दिखाई दे, समझ रहे हो, समान वही चीज आ रहा है, ध्यान देना, जैसे इधर से पढ़ रहे हैं जी ए ए टी टी सी, इधर से पढ़ रहे हैं जी ए ए टी टी सी, समझ रहे हो, यानी कि जिसको बोलते हैं विलोम पद, समझ रहे हो, उसका इधर से पढ़ रहे हैं समान, उधर से पढ़ रहे हैं चीज़। अगले बात आगे बात करते हैं हमारा जो है अगला पॉइंट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डी एन ए आर एन ए हाइब्रिड, ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ डी एन ए आर एन ए हाइब्रिड, इसको पहले ये वाला बात कर लें, भी ये नहीं बात की, दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट, ध्यान देना, आइसोलेशन ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट। अब जो हमारा डी एन ए फ्रेगमेंट आइसोलेट हो गया है, यानी कि जो डी एन ए फ्रेगमेंट हमने आइसोलेट किया है, उसको हम क्या करेंगे, समझ रहे हो, उसको हम क्या करेंगे, आइसोलेट कैसे करेंगे, उसको आइसोलेशन करने का मेथड क्या क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, थोड़ा देख ले वीडियो बन रहा है कि नहीं, नहीं पता चला आधा बना करके खानी उसी रुक जाती है, तो तीन बार बनाना पड़ता है, ध्यान देना। बात कर रहे हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, देखो जो डीएनए फ्रेगमेंट का आइसोलेशन होता है, एनसीईआरटी बुक्स में दिया है, दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा, ध्यान देना, वैद्युत कण संचलन के द्वारा, जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं आइसोलेट कर रहे होते हैं, जैसे इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, एनसीईआरटी बुक्स में आपका दिया गया है, इस तरीके से कुछ होता है, ध्यान देना, इसमें इस तरीके से क्रम बने होते हैं ना, इसमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं उसमें डाला जाता है, ध्यान देना, इस तरीके से इसमें बना होता है सांचे के जैसा। अब पता ही है डीएनए को जैसे इसमें डालेंगे, एगारोस जेल भरा होता है इस तरीके से, जो इधर मान लो कैथोड है, इधर ध्यान देना, इधर सपोज दैट कैथोड है, इधर क्या है एनोड है, इधर भी एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पता ही, माइनस चार्ज होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान देना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, ध्यान देना, कैसे कर रहे हैं इसके लिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं, कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जा रहा है,
इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा मीडियम तैयार कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड जो जोड़ रहे हैं, एक तरफ कैथोड है एक तरफ एनोड है, उस इलेक्ट्रोड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट जाहिर सी बात से जनरेट होगा। और पता है डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान देना, जो डीएनए के निगेटिव चार्ज होते हैं, जो डीएनए के निगेटिव चार्ज होते हैं, डीएनए पर निगेटिव चार्ज क्यों होता है खास करके आप लोग बताएंगे, डीएनए पर निगेटिव चार्ज क्यों होता है कमेंट करके बताएंगे क्यों होता है, क्योंकि डीएनए में फास्फेट समूह के कारण, ध्यान देना, PO43- कारण इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ध्यान देना। जैसे इधर क्या है, कैथोड मान लेते हैं, इधर क्या मान लेते हैं, कैथोड मान लेते हैं, चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। इधर एनोड मान लेते हैं, इधर क्या मान ले, एनोड मान ले, एनोड, एनोड माइनस। अब ध्यान देना, माइनस वाला कहाँ पे जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, ध्यान देना। यानी जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है वो समझ रहे हो, डीएनए के फ्रेगमेंट बहुत सारा डालते हैं, डालने से क्या होता है, और ये मीडियम कैसा होता है, 11SJ, ये क्या होता है, दीदार दी जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट। और ये क्या है, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट। ये डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट है, डीएनए के बड़े फ्रेगमेंट है, इसको सबको फ्रेगमेंट को डाल रहे हैं, कैसे मीडियम डाल रहे हैं, जिसको जिल बोला जा रहा है, एगार रोज जिल जिसको कह रहे हैं, एगार रोज जिल कहा जा रहा है, जो कि सी वीड से प्राप्त किया जाता है, ध्यान देना, सी वीड से प्राप्त किया जाता है। सी वीड्स एल्गी का नाम है, एगार एल्गी जिससे प्राप्त किया जाता है, ध्यान देना, एगार जिल जो कि इसी में भरा जा रहा है, एगार जिल बहुत सारा एगार जल इसी में पड़ा रहेगा, एगार जिल, और उसी एगार जिल के मीडियम में जो भी डीएनए हम क्या करे रहेंगे, जो काटे रहेंगे किसकी मदद से, ध्यान देना, जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस को काटे हैं, काटने के बाद उसको हम कहाँ पर डाल दे रहे हैं, कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारा जेल जैसा भरा हुआ है, उसमें उसको डाल दे रहे हैं। जैसे डाल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना, दो एनोड लगाए हैं, ध्यान देना, कैथोड एनोड, इसमें डालने के बाद जो डीएनए के स्मॉलर फ्रेगमेंट होते हैं वो किसकी तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो बात की बात है, फिर बाद में करते क्या है, जो अच्छा वाला यानी कि उस डीएनए का वही फ्रेगमेंट सेलेक्ट किया जाता है जिसमें क्या होता है, वांछित जीन छुपा होता है, ध्यान देना, जो वांछित जीन छुपा होता है वो डीएनए क्या करते हैं, कट के निकाल लेते हैं इथिडियम ब्रोमाइड की सहायता से। वहाँ पे मीडियम होता है यानी कि मिला करके यूवी रेडिएशन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी सहायता से उसको हम काट के निकाल लिया जाता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे इसके अंदर वांछित जीन पाया जा रहा है, इसके अंदर वांछित जीन है, इसके अंदर है, इस टाइप से जो लाल रेड रेड कलर का बना है, मान लो यहाँ पे वांछित जीन पाया जा रहा है। अब इसको करेंगे क्या, यही करेंगे कि इसको इस तरीके से यहाँ पे काट करके निकाल देंगे। जैसे केक काटते हैं तुम, केक के ऊपर जैसे मुनक्का उनक्का रख दो, उसको तुम काट के निकाल लो, मुनक्का जो काट कर बाहर निकाल लो, उसको खा लो, समझ रहे हो, काट करके बाहर निकाल लो वहाँ से, समझ रहे हो, जैसे मिठाई उठाई काटते हो ना बीच से, जैसे केक काट रहे हो, अच्छा उदाहरण वही ले सकते हैं, काट कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर, जैसे हमको जहाँ पे दिखा वांछित जीन, वहाँ से हमको चाकू से काट के निकाल लेना है, उसको काट के वहाँ से निकाल लेना है। अब वहाँ से जो काट के निकालेंगे ध्यान देना, उसको हम बोलते हैं इल्यूजन बोलते हैं, ध्यान देना, इल्यूजन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा गया है, क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, इल्यूजन। और ध्यान देना किसकी प्रेजेंस में हो रहा है चीज़ें, इथिडियम ब्रोमाइड, किसकी प्रेजेंट में हो रहा है, इथिडियम ब्रोमाइड है। मीडियम क्या दिया जा रहा है, यूवी, ध्यान देना, जो मीडियम यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, दीज आर दी यूवी रेडिएशन, ध्यान देना ये चीज़ें आपको एकदम सिंपल वे में इसको क्लियर करना है ना। अब देखो, अब डीएनए को हमने क्या करा, आइसोलेट करा, और आइसोलेट इस पूरी प्रोसेस को बोल रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या बोला जा रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट एगार रोज जेल वैद्युत संचलन, ध्यान देना, एगार रोज जेल वैद्युत कर संचलन इस टाइप से किया जाता है। एक सिंपल डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया है, जिसको आप समझ सकते हैं सिंपल वे में। अगला जो है स्टूडेंट, ध्यान देना, अगला जो पॉइंट्स है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड, ध्यान देना, डीएनए आरएनए हाइब्रिड का निर्माण। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड, किस तरीके से हम डीएनए आरएनए हाइब्रिड का निर्माण करते हैं, ध्यान देना। अब डीएनए आरएनए हाइब्रिड का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, जो हमारा डिजायर जीन होता है, उस जीन के डीएनए को क्या करा जाता है, काटा जाता है। इसको जरा देख ले, वीडियो आपकी बन रही है, हाँ बन रही है, इसको जरा समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड इस तरीके से। अब देखो, मान लो ये डीएनए का बहुत सारा
ये सब क्या है, डीएनए का डबल स्टैंड है, छोटा छोटा बनाते हैं, नहीं तो कितने कम जगह में आपको फिंगर नहीं क्लियर आ पाएगा, ध्यान देना, पर आपको बनाने ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना। इस टाइप से बहुत सारा क्या है, छोटा छोटा डीएनए है, इस टाइप से क्या है, डीएनए तुम्हारे हैं। अब इस डीएनए को क्या करेंगे, यहाँ पे हम डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनाना है, यानी कि उस डीएनए में कहने का मतलब जो वांछित जीन है उसको हमें को सेलेक्ट करना है, इसमें कहाँ कहाँ वांछित जीन पाया जा रहा है उस डीएनए को सेलेक्ट करना है। अब मान लो इस डीएनए को क्या करेंगे, हम डीनेचुरेशन करेंगे इसका, यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए को डीनेचुरेट करेंगे। डीनेचुरेट करने का मतलब इसको इस टाइप से हमने अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग का मतलब जैसे ये डीएनए है, इस टाइप से इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, इस टाइप से डीएनए खंड को क्या कर देंगे, बहुत सारा डीएनए खंड जो है इसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, जिसको डीनेचुरेशन कहेंगे, ध्यान देना। जैसे ही हमने खंड को अलग किया, अलग करने के बाद फिर करते क्या है, इसको फिर से क्या करते हैं, इसको लेते हैं, लेने के पश्चात इस डीएनए पे क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवाते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस फिर आता है, ये डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, क्या बनता है, एमआरएनए बन रहा होता है, ये अपना पहले से ही डीएनए पाया जा रहा है, ध्यान देना, एमआरएनए डीएनए बना, जिसके लिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड, ध्यान देना, इसलिए टर्म यूज करते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड टर्म यूज कर रहे होते हैं, ध्यान देना, डीएनए एमआरएनए हाइब्रिड कैसे बना, डीएनए एमआरएनए हाइब्रिड को समझ रहे हैं, डीएनए का जो ओवर हैंग है दोनों, इसको हमने क्या करा, डीनेचुरेट करा, दोनों को तोड़ा, तोड़ने के बाद एक हमारा क्या बना फ्रेगमेंट, इसको हमने लिया, लेने के पश्चात उसको ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, जिससे एमआरएनए बना, एमआरएनए बनने के बाद फिर उसको हमने क्या बोला, डीएनए एमआरएनए हाइब्रिड, ध्यान देना, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बोला। अब डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन जाता है, बनने के बाद चीज़ें क्या होती है, ध्यान देना, बनने के बाद कहानी क्या होती है, जरा इसको समझते हैं। जब बन जाता है तो बनने के बाद जो हमारा ये डीएनए होता है इस टाइप से, ध्यान देना, डीएनए में क्या करते हैं, हम डीएनए को अलग कर लेते हैं, इसको डीएनए को अलग करने के बाद ये वाला डीएनए हमारा अलग हो गया, अब इसकी कॉपी तैयार करनी है, ध्यान देना, इसकी क्या करनी है, कॉपी तैयार करनी है, तो क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से इसको क्या करते हैं, इसमें जा करके घोल देते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें मिलाते हैं, मिलाने के पश्चात जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्लस, इसमें क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आता है, जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है क्या बन जाते हैं, डीएनए के दो स्टैंड तैयार हो जाते हैं, डीएनए का क्या तैयार हो जाता है, डबल स्टैंड तैयार हो जाता है, इस टाइप से डीएनए का डबल स्टैंड क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, इस टाइप से बहुत सारा हम इससे कॉपी बना लेते हैं, यानी बहुत सारा वांछित जीन बनाने के लिए प्रोसेस एक होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से डीएनए का कुल मिला करके फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोल रहे हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड, सिंपल सा है, ऐसे प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, डीएनए आरएनए हाइब्रिड को फॉर्मेशन कर लेते हैं, जान लेना, आपको चीज़ें आई हो क्लियर समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो निकालने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से उसमें हमने डीएनए पॉलीमरेज मिलाया, मिलाने के बाद एक ध्यान देना, ऐसा मीडियम में किया जाता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाएगा, जाने के पश्चात उसकी कॉपी तैयार कर देगा, उसकी क्या करेगा, कॉपी तैयार कर देगा, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्लस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कुछ, ध्यान देना, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मिला होता है, इसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है, कौन सा डीएनए बना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी डीएनए का डबल स्टैंड मिल गया, ध्यान देना। अगला स्टूडेंट क्या करते हैं, वही चीज बताया है, आगे क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना सेगमेंट, सिंथेसिस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट, यानी कि डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके सेगमेंट का संश्लेषण करना, उसका सिंथेसिस करना, कैसे सिंथेसिस कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में, यानी कि जो हटा हटने के बाद उसमें पॉलीमरेज एंजाइम प्लस न्यूक्लियोटाइड मिला, न्यूक्लियोटाइड मिलने के बाद एक क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, सिंथेसिस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट, सिंपल, कहने का मतलब ये इतनी सारी कहानी हुआ करती है, इतनी सारी कहानी के बाद हम चीज़ों को क्या करते हैं, समझ पाते हैं, ध्यान देना, अभी तक हमारा पहला ही पॉइंट रहा, ध्यान देना स्टूडेंट, ये आपकी फर्स्ट पॉइंट रही, यानी कि पहला पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, ध्यान देना, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन की कहानी रही, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन में कर क्या आ रहे हैं, फिर पहले डिजायर जीन को आइसोलेट कर रहे हैं, उसको क्लीवेज कर रहे हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर क्लीवेज करने के बाद उसके सेगमेंट को आइसोलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड अभी हमने देखा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं उसको डबल स्टैंड में, अभी हमने ये सब पूरा प्रोसेस देखा, ध्यान देना, अब ये सब
कहानी होने के बाद अगली जो कहानी आती है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगली कहानी क्या होती है। अभी तक तो डिजायर जीन वांछित जीन पर ही सब काम कर रहे थे, ध्यान देना, अभी तक तो हम वांछित जीन पर ही काम करते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, देयर इज द सिलेक्शन ऑफ, ध्यान देना, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर मॉलिक्यूल, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर मॉलिक्यूल, ज्यादा लंबा नहीं है, सिंपल है। सिलेक्शन ऑफ वेक्टर मॉलिक्यूल का मतलब कौन से वाहक का हम सिलेक्शन करें, वाहक डीएनए का चयन, वाहक डीएनए का चयन, वही वाहक डीएनए का चयन करते हैं जो उसके लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। प्लाज्मिड सुटेबल है तो PBR322 यानी प्लाज्मिड यूज कर लेंगे। PBR322 ही नहीं, बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं, बहुत सारा टाइप होता है, जो चाहिए होगा, जो उसके लिए सफिशियंट होगा वो हम क्या करेंगे, ले लेंगे। जैसे बैक्टीरियोफेज का डीएनए चाहिए होगा तो बैक्टीरियोफेज का ले लेंगे। इसके बाद अगर हमको कार्बमिड चाहिए तो कार्बमिड ले लेंगे, फाजमिड चाहिए तो फाजमिड ले लेंगे। समझ रहे हो, कार्बमिड, फाजमिड, प्लाज्मिड, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर्स के टाइप्स होते हैं, ध्यान देना। ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वही वेक्टर का सिलेक्शन करेंगे जो हमको क्या होगा, उसके लिए जो होगा सफिशियंट होगा, जो उसके लिए ज़रूरत होगी, वही हमको सिलेक्शन करना है। इस वजह से कहते हैं सिलेक्शन ऑफ वेक्टर मॉलिक्यूल। अभी हमने बोला वेक्टर बहुत सारे टाइप के पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मिड, फाजमिड, कार्बमिड ना, बैक्टीरियोफेज वेक्टर, ध्यान देना। आगे देखते हैं, अब जब वेक्टर डीएनए को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि फला फला वेक्टर हमने सेलेक्ट करा, ये वेक्टर हमारा है, ये वेक्टर हमने क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया है, उसका हमने चयन कर लिया है। अब चयन करने के बाद आगे क्या करेंगे, आगे उसका क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं, ध्यान देना, डिजायर जीन इंटू डीएनए प्रोड्यूसिंग फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि उसको हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट मतलब उसको हम क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, कहाँ पे, डिजायर जीन को, ध्यान देना, डिजायर जीन को स्थानांतरित करते हैं कहाँ पे, वेक्टर डीएनए में, वेक्टर डीएनए में स्थानांतरित करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है वेक्टर डीएनए में स्थानांतरित करेंगे। किसके लिए स्थानांतरित करते हैं, फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, वही चीज़ जो हमने पहले समझाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, बहुत सारा उसका समझ रहे, उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करनी है, जिसके लिए हम करेंगे क्या, उसको हम क्या करेंगे, कुल मिला करके जीन को वेक्टर, यानी कि जो हमारा डिजायर जीन होगा उसको हम क्या करेंगे, वेक्टर डीएनए के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि जोड़ने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे उसके अंदर। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही उसको हमने होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद उसकी क्या करनी है, बहुत सारी कॉपी तैयार करनी है, ध्यान देना, बहुत सारी क्या करनी है, कॉपी तैयार करनी है। कॉपी तैयार करने का इन द सेंस दैट इज द क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ध्यान देना, बहुत सारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या करनी है, कॉपी तैयार करनी है, उसका क्लोन तैयार करना है, कॉपी तैयार करनी है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए वो पुनर्संयोजन डीएनए का पूंजीकरण, ध्यान देना, बहुत सारे पुनर्संयोजन डीएनए जो बने हैं उसका पूंजीकरण करना है, बहुत सारी कॉपी तैयार करनी है। इसके लिए जरा हम यहाँ पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली व्यू में समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना, जैसे वहाँ पर भी हमने इसको समझा रखा है, ध्यान देना, आई होप देख लेते हैं वीडियो बन रहा है, हाँ वीडियो बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ, अभी हमने कहा वेक्टर, अब मान लो हमने इस टाइप से वेक्टर को सेलेक्ट करा, ध्यान देना, मान लो इस टाइप से हमने एक वेक्टर को क्या करा, सेलेक्ट करा है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर का डीएनए है, जिसको प्लाज्मिड बोल रहे हैं, इसका अपना डीएनए ऐसे है ही यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालने का मतलब ऐसे ऐसे हमने क्या करा, इसको बाहर निकाल लिया है, क्या किया है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे इस टाइप से ना, इसको प्लाज्मिड बोल रहे हैं। जब बाहर निकाल लेंगे, यानी कि इसको सेलेक्ट लिए, बाहर निकाल लिए, अब तीसरे स्टेप में यहाँ पे लिखो, देखो लिखा गया है इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन इनटू वेक्टर डीएनए, यानी कि अब डिजायर जीन हमारा पहले से ही हमने वहाँ पे निकाला है, कहाँ पे, इंसुलिन का जीन निकाल लिया है, बताया पहले कि लाइसोजाइम एंजाइम से, उसको हमने तोड़ भी लिया है, उसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कर लिया है, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कर लिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमने केक के माध्यम से काट करके निकाला भी, जिसको इल्यूजन बोल रहे थे, मतलब काट के निकाला जिसको इल्यूजन बोल रहे थे। इस तरीके से यहाँ पे इतना सा मिला है, थोड़ा ही है, इतना ही है, इतने से इतना तैयार करना है, इतना ही इतने से इतना तैयार करना है, इतना सारा तैयार करना है। अब इतना सारा तैयार करने के लिए ये प्रोसेस अपना रहा है, ध्यान देना, अब इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, यहाँ पे काटा गया है किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, रजिस्ट्रिक्शन एक्जोन के लिए जो बताए थे आपको। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम इंसर्ट कर देंगे, जोड़ देंगे इस टाइप से, ये मान लो हमने इस टाइप से क्या करा, जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हमारा क्या बन गया, आर डीएनए, क्या बन गया, आर डीएनए बन रहा होता है। और जोड़ते किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, ध्यान देना, जोड़ किसकी मदद से रहे हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ रहे हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको जोड़ रहे होते हैं। अब फिर से इसको क्या करेंगे,
उसी वेक्टर के वेक्टर होस्ट सेल के अंदर इसको इंटर करा देंगे, मतलब इस टाइप से है उसको हम क्या करेंगे उसी वेक्टर सेल्स के अंदर इंटर करा देंगे। अब इंटर करा दिए यानी कि ये पहला ये तीसरा स्टेप खत्म हो गया। अब इंटर कराने के बाद लास्ट में इसकी क्या होगी, क्लोनिंग होगी, यानी कि जो हमारा ये वाला जीन है इसकी बहुत सारी क्या करनी है, क्लोनिंग करनी है। जो आरडीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, आरडीएनए जिसको बोल रहे हैं, इसकी बहुत सारी क्या करनी है, कॉपी तैयार करनी है, बहुत सारी कॉपी तैयार करनी है। अब कॉपी तैयार करते हैं कैसे हैं, ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करेगा, एक से दो बनाएगा, दो से क्या बनाएगा, इस तरीके से चार बहुत सारा बना लेगा। बनाने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसका अपना प्लाज्मिड है ही, इसका अपना प्लाज्मिड समझ रहे हो, ऐसे है ही, और इसमें हो क्या रहा है, इस टाइप से बहुत सारा डीएनए हमारा बन जा रहा है, समझ रहे हो, इस टाइप से बहुत सारा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जा रहा होता है। इसका अपना ये अलग सा खुद का डीएनए अपना है, समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब ये हमको ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत थी, देख रहे हो, इसकी ज़रूरत है, जो कि इतना सारा मिल गया है, ध्यान देना, इतना थोड़ा सा था, इतना रखा, इतने से बहुत सारा रिप्रोडक्शन करके बहुत सारी इसकी कॉपी बन रही है, जिसको हमने जीन क्लोनिंग मेथड यूज किया, ध्यान देना, इसको जीन क्लोनिंग बोलते हैं, उसका मल्टीपल कॉपी तैयार करना, समझ रहे हो, जीन क्लोनिंग जिसको बोला। अब क्लोनिंग जिसको पुंजीकरण कर रहे हैं डीएनए, और किसका पुंजीकरण कर रहे हैं, ध्यान देना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पुंजीकरण किया जा रहा है, यानी जो आर डीएनए है, जो पुनर्संयोजित डीएनए है, उसी को क्या कर रहे हैं, पुंजीकरण कर रहे हैं। अब पुंजीकरण जब कर लेते हैं, लास्ट में इसको हम एगारोस जेल में इसको क्या कर लिया जाता है, इसका पिक कर लिया जाता है, इसको रख लेते हैं जहाँ पे भरना होता है, भर करके प्रोवाइड कर देते हैं टीसी वगैरह में। आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, देन समझ में आई है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देंगे, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।